मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कि उन्हीं में से एग्जाम में एक ना एक सवाल आएगा एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। ये सीरीज हमारी जारी है और इस सीरीज का चैप्टर 1 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे इस लेक्चर में, और ये है एक्सरसाइज 1.2 का बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1। रियल वैल्यू फंक्शंस एफ एंड जी आर डिफाइंड बिलो। आपने ये कंपोजिशन फंक्शंस कैलकुलेट करने हैं, फॉग ऑफ एक्स, cos of x, cos of x and cos of x। ये कंपोजिशन फंक्शंस होते क्या हैं, इसका बेसिक आइडिया जरा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले हमारे पास अगर एक फंक्शन हो f of x, ठीक है, अगर हमारे पास एक फंक्शन हो f of x, अब आप लोगों ने सीखा होगा कि इस फंक्शन की जो इनपुट होती है वो इधर ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है, यानी x इज द इनपुट ऑफ दिस फंक्शन। इस वक्त f की जो इनपुट है वो लिखी हुई है इन द फॉर्म ऑफ x। अगर हम इस फंक्शन f की इनपुट x को रिप्लेस कर दें किसी दूसरे फंक्शन g ऑफ x के साथ, ठीक है, तो f के अंदर मौजूद इनपुट को किसी दूसरे फंक्शन g ऑफ x के साथ रिप्लेस करने से ये जो न्यू रिजल्टिंग फंक्शन बनता है, दिस इज कॉल्ड द कंपोजिशन फंक्शन ऑफ g एंड f। ये बात याद रखिएगा। इसमें कुछ और डिटेल्स भी हैं, लेकिन उसके लिए आप बुक से डेफिनेशन की रीडिंग कीजिएगा, लेकिन इसकी डेफिनेशन का जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक आइडिया है, वो मैंने आपको यहाँ सिखाया। फॉर एग्जाम्पल, इसकी जरा क्वेश्चन करने से पहले सिंपल कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स यहाँ पे हमें दे दिया जाता है एक्स प्लस वन। तो ये जो होगा फॉग ऑफ एक्स, इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी ये जो सेकंड पोजीशन पे फंक्शन होता है वो फर्स्ट की इनपुट बन जाता है। अब ये जो आपको फंक्शन f गिवन है, इसके अंदर आपने x को रिप्लेस करना है g ऑफ x के साथ, तो ये हो जाएगा g ऑफ x का होल स्क्वायर। अब g ऑफ x की वैल्यू डाली जाएगी, दैट इज x प्लस वन, तो ये आपके पास न्यू बन जाएगा कंपोजिशन फंक्शन। अब इसी तरह से हमने ये क्वेश्चन करना है, इसका सबसे पहले पार्ट ए देखिएगा। पार्ट ए में f ऑफ g fog ऑफ x हमने कैलकुलेट करना है, तो आप लिख सकते हैं fog ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x। ये जो सेकंड फंक्शन होता ही हो, सेकंड पोजीशन पे फंक्शन होता है, वो फर्स्ट पोजीशन वाले फंक्शन का इनपुट बन जाता है। अब आप देखिए, इसका ये मतलब है, f का प्रोसेस समझिए, f में जब यहाँ पे x था तो आगे 2x प्लस 1 आया, अब जब यहाँ f के अंदर ब्रैकेट में g ऑफ x है तो यहाँ पे 2g ऑफ x प्लस 1 आना चाहिए। ये दोनों पोजीशंस सेम होती हैं, ठीक है, जब यहाँ x था तो आगे 2x प्लस 1 आया, जब यहाँ पे g ऑफ x है तो 2gx प्लस 1 आएगा। ये प्रोसेस आपने समझना है, जो भी इनपुट आती है 2 से मल्टीप्लाई होके 1 ऐड हो जाते हैं, तो ये जो इनपुट आई g ऑफ x 2 से मल्टीप्लाई होके 1 को ऐड करवा दिया। अब यहाँ पे सिंपली हमने g ऑफ x की वैल्यू डालनी है। आप देखिए, g ऑफ x की वैल्यू गिवन है हमें 3 ओवर x माइनस 1, उसके बाद ये ऊपर 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, और यहाँ आपने अब नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेना है। देखें, एलसीएम लेने का तरीका यहाँ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपके पास ये सिचुएशन बन रही हो एलसीएम की, तो सी के नीचे जब डिनोमिनेटर में कोई नंबर ना हो तो अंडरस्टूड होता है कि 1 है। इस सिचुएशन में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती है, ए वन जार ए और बी क्रॉस सी हो जाता है, और एलसीएम इज बी। इस तरीके से हम एलसीएम ले लेते हैं, 1 के डिनोमिनेटर में कोई नंबर मौजूद नहीं है तो 1 होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम कैसे लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, 6 1 6, फिर ये प्लस का साइन इधर आ जाएगा और x माइनस 1 इंटू 1 x माइनस 1 हो जाएगा और एलसीएम विल बी x माइनस 1। अब हम देख लेते हैं फॉग ऑफ x की रिजल्टिंग वैल्यू क्या बनी। ऊपर न्यूमिनेटर में सबसे पहले ये पॉजिटिव x आ जाएगा और फिर यहां से 6 माइनस 1 विल बी इक्वल टू x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ fog of x। इसके बाद b पार्ट हम कर लेते हैं यहाँ पे, उसमें gof of x हमें चाहिए। अब आप देखें, सेकंड पोजीशन पे आप अगर इस डायरेक्शन में आए तो सेकंड पोजीशन में f लिखा हुआ है, तो अब जो है f इनपुट बनेगा g की, यानी अब g of x के अंदर हमने x को रिप्लेस करना है f of x के साथ, ओके? तो अब g of x ये लिखा हुआ है, ये जो x है इसको रिप्लेस करके हम यहाँ पे g of x ले आएंगे, f of x ले आएंगे, ये हो जाएगा 3 over f of x minus 1। अब यहाँ हमें f of x की वैल्यू डालनी होगी, f of x की वैल्यू हमें गिवन है equal to 2x plus 1, हमने रिप्लेसमेंट कर दिया, minus 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे,
3 over 2x will be the final answer of cos of x. इसी तरह cos of x, यानी f के अंदर fe को डालना होगा, f के अंदर f को ही डालना होगा। अब जो है f वो अपनी इनपुट खुद बनेगा। अब इसका ये मतलब है कि फंक्शन f के अंदर जाके x को f of x के साथ रिप्लेस करेंगे। तो जब f of x था तो आगे 2x plus 1 आया। अब जब f of x है तो हमारे पास 2 into f of x plus 1 हो जाएगा, यानी इस x को हमने रिप्लेस करवा दिया f of x के साथ। अब f of x की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट होगी, यानी 2x plus 1 आ जाएगा plus 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 2 2 जार 4x, 2 1 जार 2, तो फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू 4x plus 3। नेक्स्ट हमारे पास है g of x। ये आपको ट्राई कीजिएगा, या बल्कि इसको भी मैं करवा देता हूँ। इसके अंदर अंदर जो है वो थोड़ी सी फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो चुकी है। नेक्स्ट है हमारे पास g फंक्शन। हम लिखते हैं अपने जरा सामने, हम इसको शो कर देते हैं। g ऑफ x था 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब हमें चाहिए g ऑफ x। इसका मतलब होता है सेकेंड फंक्शन फर्स्ट की इनपुट बनेगी। अब फंक्शन g के अंदर जो x था उसको हम g ऑफ x के साथ रिप्लेस करेंगे, क्योंकि इधर ब्रैकेट में g ऑफ x है, इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय g ऑफ x की जगह हम फंक्शन की वैल्यू डाल देते हैं जो हमें गिवन है, और साथ में माइनस 1। अब डिनोमिनेटर के अंदर हमने एक एलसीएम लेना है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, इन द फॉर्म ऑफ ए बी सी। अब देखिए यहां से ये जो नेक्स्ट स्टेप में x माइनस 1 है ऊपर जाके 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1, और नीचे डिनोमिनेटर में इस नेगेटिव साइन की वजह से ब्रैकेट के अंदर दोनों साइन चेंज होंगे। ये 3 था, 3 माइनस x और माइनस इंटू माइनस प्लस 1। आप देखिए ऊपर न्यूमिनेटर में होगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में होगा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, 4 माइनस एक्स। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ गॉग ऑफ एक्स। तो हमने पार्ट 1 कर लिया चारों पार्ट्स ए बी सी एंड डी के साथ। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं अभी हम। तो सबसे पहले हम पार्ट ए करेंगे। cos of x will be equal to f of g of x होगा। सेकेंड पोजिशन पे लिखा हुआ फंक्शन फर्स्ट पोजिशन पे लिखे हुए फंक्शन की इनपुट बनता है। अब f के अंदर जहां पे x था उसको g of x के साथ हम रिप्लेस कर देंगे, बिकॉज ब्रैकेट के अंदर g of x है। तो स्क्वेयर रूट के अंदर हम g of x की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज गिवन टू बी 1 ओवर x स्क्वायर, साथ में प्लस 1। अब अंदर स्क्वेयर रूट के अंदर जो है हमें एलसीएम लेना होगा, एलसीएम विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। यहां से हम इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। याद रखिएगा जब भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है तो उसे मॉड ऑफ एक्स के अंदर लिखा जाता है। ये बुक में आंसर में थोड़ी प्रॉब्लम है, बट कंसेप्चुअली टेक्निकली मैथमेटिकली दिस इज करेक्ट। बी पार्ट है इसके बाद गॉफ ऑफ एक्स। इसमें जो सेकंड फंक्शन होगा f of x वो फर्स्ट फंक्शन के अंदर इनपुट बनेगा, यानी फंक्शन जो g है उसमें x को रिप्लेस किया जाएगा f के साथ। 1 over x square था तो 1 over f of x का अब ये स्क्वायर बन जाएगा। नाउ वी शैल पुट द वैल्यू ऑफ f of x दैट इज गिवन टू बी स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। ये कैंसिल हो जाएगा, उसी तरह यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा x प्लस 1। इसके बाद है c पार्ट, cos of x। f को f के ही अंदर डालेंगे। अब f के अंदर जहां पे x था वहां पे f of x आ जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर f है। अब f of x की वैल्यू हम पुट कर देंगे, यहां पे इसकी वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। इसको फर्दर आगे सिंप्लीफाई नहीं किया जाएगा, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। और लास्ट है d पार्ट, gog of x is equal to second function को हम input बनाएंगे first function की। अब g of x के अंदर जहां पे x था उसको हम g of x whole square से replace कर देते हैं, तो साथ ही g of x की value आ जाएगी, that is 1 over x square and whole square। तो ये square जब open किया जाएगा तो 1 का square 1 होगा, x square का square x 4 होगा। अब ये x 4 ऊपर 1 के साथ जाके multiply होगा x 4 over 1, so final answer will be equal to x power 4।
अब इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले हम करते हैं पार्ट ए, उसमें हमें फॉग ऑफ एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा और इसमें जो है एफ के अंदर जी ऑफ एक्स पुट होगा। अब फंक्शन एफ में जिस जगह पे एक्स है वहां पे हम जी ऑफ एक्स को लेके आएंगे, तो ये बनेगा 3 इंटू जी ऑफ एक्स होल पावर 4 माइनस 2 इंटू जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर। अब जी ऑफ एक्स की जगह ये गिवन वैल्यू को पुट करेंगे हम, तो ये बनेगा 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होल पावर 4 माइनस 2 इंटू जी ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होल स्क्वायर। अब जो है यहाँ पे आप जरा देखिएगा कि ये पावर 4 जब 2 के ऊपर आएगी तो इसको 16 बना देगी, जब ये पावर स्क्वायर रूट एक्स के ऊपर आएगी तो इसको एक्स स्क्वायर बना देगी। ये जरा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप देखें इसके ऊपर पावर 4 कैसे सॉल्व होगी। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर इज 1/2, तो ये 2 2 4 करेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलरली इसके बाद ये जो 2 स्क्वायर 2 के ऊपर आएगा तो इसको ये 4 कर देगा और नीचे स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होके एक्स को बाहर निकाल देगा। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन भी कर लेते हैं हम, फॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 16 इंटू 3 इज 48 ओवर एक्स स्क्वायर, आगे 4 2 8 डिवाइडेड बाय एक्स। नाउ वी शेल टेक एलसीएम, तो ये आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 48 माइनस 8x होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ फॉग ऑफ एक्स। अब आई होप सो कि ये सारे पार्ट्स आपको समझ आए होंगे, तो रिमेनिंग जितने पार्ट्स हैं वो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है उनका, वो आपको जरूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, लिखे बगैर रिटन प्रैक्टिस से ये बिल्कुल भी नहीं होगा।